हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो कि 99% लोग नहीं जानते होंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने वाइन की बोतलें तो देखी होंगी, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वाइन में जो ढक्कन लगाया जाता है वो लकड़ी का ही क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि आखिर जो इसमें लकड़ी का ढक्कन यूज किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि उसमें हवा पास होती रहे, जिससे वाइन खराब ना हो और लंबे समय तक वो सही रहे। तभी तो लोग कहते हैं कि जितनी पुरानी वाइन होती है उसका टेस्ट उतना ही खुल के आता है। दोस्तों, डोनट तो आप सभी ने खाए होंगे, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर डोनट के बीच में होल क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि पहले डोनट के बीच में होल नहीं हुआ करता था, क्योंकि पहले के ओवन इतने एडवांस नहीं होते थे, इसीलिए बीच में डोनट कच्चा रह जाता था। तब उन लोगों ने डिसीजन लिया कि जो हिस्सा कच्चा रह जाता है उसे हटा दिया जाए, तभी से डोनट के बीच में होल होने लगा। दोस्तों, आप सभी ने अपने घर में देखा होगा कि आप सबकी मम्मियां जब टोमेटो केचप की बोतल को फ्रिज में लगाती हैं तो क्यों लगाती हैं? कि वो खराब ना हो जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल टोमेटो केचप को कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वो आपके रूम के तापमान पे भी सही रह सकता है, तो उसे जरूरत नहीं है कि आप फ्रिज में लगाएं। वैसे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके घर में केचप को फ्रिज में लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि पानी की बोतल पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मगर पानी तो एक्सपायर होता नहीं है, तो आखिर क्यों उसकी बोतल पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी को जिस बोतल में भर के मार्केट में बेचा जाता है वो सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद कुछ टाइम के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया बनने लगते हैं, तो वो एक्सपायरी डेट जो होती है वो पानी की नहीं होती, एक्चुअल तो वो बोतल की होती है, मगर बोतल में पानी भरा हुआ होता है, इस वजह से वो पानी भी खराब हो जाता है और पीने लायक नहीं रहता। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।